से नीचे है, किसी इंसान का उम्र 20 साल से नीचे है, और 20 साल से नीचे में उसको डायबिटीज हुआ और डे वन से इंसुलिन लेना पड़ गया, मतलब टाइप 1। ऐसे तो पैथोलॉजिकल में हम लोग बोलते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट करना, पर हम क्या बता रहे हैं, हमें इस संदेश को घर घर लेके जाना है, टेक्निकल बातें करना ही नहीं है मोटे तौर पर, ताकि आम आदमी समझ पाए। तो आम आदमी में है, यदि किसी इंसान का उम्र 20 साल से ऊपर है तो यूजुअली डायबिटीज होने पे उसको टैबलेट से शुरू किया जाता है। टैबलेट के 2-5-10 साल के बाद उसको आप डॉक्टर साहब शुगर इनकी मैनेज होगा तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इंसुलिन का टैबलेट लो, इसका मतलब वो टाइप 2। आपके ध्यान में क्या मोटे तौर पर पैथोलॉजिकल में वो भी मैं बता रहा हूँ कि सी पेप्टाइड का रिपोर्ट निकालेंगे तो उससे पैंक्रियाज के फंक्शन का पता चलता है कि कितने बीटा सेल है, कितना इंसुलिन निकल रहा है, उससे पता चलता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। पर हमें उस डिटेल में नहीं जाना, हमें तो घर घर जाना है, हमें जन जन तक जाना है। तो हमें ये रखना है कि 20 साल से नीचे का बच्चा है और यदि उसको डायबिटीज का पता चला और डे 1 से वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है तो इसका मतलब टाइप 1 है। यदि 20 साल से नीचे और टैबलेट ले रहा है तो टाइप 2 है। आपके ध्यान में आ गया मोटे तौर जी। और